कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बुधवार को वैक्सीनेशन का रफ्तार धीमा रहा। जिला अस्पताल सहित 29 केंद्रों पर 3,814 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 2,574 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,240 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खोमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार वैक्सीन है, इसलिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारे ज़िले में 29 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारी जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, पुरुष और महिला, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारे 2 अभिभावक स्पेशल चल रहे हैं, 2 महिला स्पेशल चल रहा है। संचारी रोग में कोवैक्सीन का टीकाकरण चल रहा है। तो आज हमारे यहाँ सिर्फ 29 जगहों पर चल रहा है। कल के बाद से हमारी प्लानिंग लंबी रहेगी और हम अच्छी तरह से टीकाकरण करेंगे।